ऑलराइट, बात करेंगे ये एक और लो आईक्यू बंदा पता नहीं कहाँ से पकड़ के आया, लंदन लंदन टॉप वाले ये लेकर आए हैं इस बार महेश्वर पैरी को, किसी बंदे को। ठीक है, ये जो महेश्वर पैरी है बिल्कुल इसने कोई कोई कंटेंट की बात नहीं की, कोई कोई इसने कोई तथ्य की, कोई तथ्य नहीं निकाला किसी चीज़ का, कुछ नहीं, कोई डिटेल में नहीं गया, बस गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, बस ये सब लगा हुआ है। तो और जो ललन डोम का ये जो इंटरव्यू लेने वाला है अभी, भाई सौरभ द्विवेदी इतना हॉट आया, आप खुद लेते ज़रा, इसको तो आईक्यू ही कम है इसका, जो लेने वाला है उसका आईक्यू कम, इंटरव्यू लेने वाला है जो भी बंदा है, सॉरी मुझे इसका नाम तो नहीं पता, तो इसका आईक्यू कम, उसके बाद जो महेश्वर पैरी है उसका आंसर देख लो अब आप, मेरे को तो वो भी लो आईक्यू लगा बंदा बिल्कुल, क्योंकि बातों में कहीं दम नहीं है, बट अगर वो लीगल स्टैंड ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसको शायद सटल पॉइंट्स पता हो एक्चुअल पूरी प्रॉब्लम के, और शायद वो कुछ बता, शायद उसको पता हो, तो इसलिए तुम अथॉरिटेटिवली नहीं कह सकते इसका लो आईक्यू है, लेकिन इस वीडियो में उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जैसे कि पता चले कि वो सोच क्या रहा है या कोई बात का जस्ट निकले, तो सिर्फ ध्रुव राठी ने थोड़ा सा अच्छा, ध्रुव राठी ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया हुआ है, सबको वही कह रहा हूँ कि उसी का एनालिसिस देखो, वही सबसे ठीक एनालिसिस है, बाकी सारों का एक गंद घटिया एनालिसिस है, बट महेश्वर पैरी ने बोला क्या हुआ है, इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं जरा, देखते हैं इस लो आईक्यू बंदे के बारे में सारा बात करते हैं। ठीक है, तो सर चलते चलते दो चीजें हमारे जो दर्शक हैं उनको तो बता शुरू से दीजिए। एक तो ऐसे अपने लोगों से कैसे सावधान रहना है। एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनल कंसल्टेंट, मेरे नजर एक 10 एमबीए कोर्स पे गई थी। पहली चीज मैंने की कि चलो आरओसी वेबसाइट पे जाकर इनके बैलेंस शीट कि डाउनलोड मैंने करो, समझिए क्या था, 1.75 नंबर किया जो था हुआ मेरा सर घूम गया, श्रीलंका के एक बिजनेस यूनिवर्सिटी ने इनको टॉप किया, क्योंकि 20 ये जो लाख का बंदा है ये मेरा बड़ा इनकम मिलेगा हर तेज महीने, बोलता है, ये इनकम महेश्वर स्ट्रीम है, पैरी 500 एम्प्लॉई है जो 30-40 हजार कमाते हैं, जो कुछ तो दूसरा अच्छा कर बंदा रहे इतना हैं, स्लो अपने बोलता है अपने कि आप मेरे को अच्छा आराम लग से रहा है, समझ में आता अपने है, लोगों बोल को क्या अच्छा रहा लग है। रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में नियर्स कंज्यूमर कोर्ट में जाकर फाइल करना पड़ेगा, अगर पूछे तो पुलिस स्टेशन जाकर चीटिंग करके फाइल करना पड़ेगा। आईबीएम का केस सबने देखा, ये जो विवेक बिंद्रा का केस है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं क्या? बट टारगेट ऑडियंस सेम है, इनकी बातों में फंसने से एक कॉमन मैन इसमें बचे कैसे? मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि बच्चों ने दे नॉट डू द रिसर्च एंड गॉट इनटू द पोस्ट ऑल ओवर अगेन। जब आपको ट्विटर थ्रेड सामने आया तो क्या उसके बाद विवेक बिंद्रा या उनकी टीम की तरफ से किसी ने आपसे बात बात करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की? सब कुछ सही चल रहा एडिटिंग था तो तगड़ी 11 दिसंबर करते से हैं यार ये पहले। लोग, 11 दिसंबर को एडिटिंग बहुत सोशल तगड़ी मीडिया पर करते एक हैं, वीडियो आता है और ये वीडियो मज़ा आ आता जाता है है, देख के। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप करते हुए बताते हैं कि कैसे रिवील होता नहीं है। कुछ दिन बाद जुबानी जंग चल रही मिलता है और वो उन्होंने ये बताया है कि आखिर विवेक बिंद्रा पर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत सारे ट्वीट का पूरा एक थ्रेड है वो उन्होंने किया। सर बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सर उस ट्विटर थ्रेड के बारे में बताइए, कैसे आपको विचार आया? फाइट तो चल रही थी, आपकी नज़र उस फाइट पर गई कहीं सोशल मीडिया पर आप गो थ्रू हुए, कैसे आपको लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए? तो मैं जब भी ये सब देखा था तो मेरे नजर एक 10 एमबीए कोर्स पे गई थी, मुझे महेश्वर जी के बारे में उतना पता नहीं था जितना कि ये 10 एमबीए के बारे में, बिकॉज हम करियर्स पे 360 में सिर्फ वही देखते हैं जो वैध कोर्सेस रहते हैं विच आर लीगल लेजिटिमेट कोर्सेस, बिकॉज हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों को यही बताते हैं कि दिस लीगल, दिस एक्रेडिटेड, दिस रेगुलेटेड, और इस वजह से आपको ये मिल सकता है, बिकॉज उधर ना जो प्रॉमिस भी करते हैं हम उसको वेरीफाई कर पाते हैं, नहीं तो वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब मुझे मेरे नजर 10 एमबीए पे गई है और मुझे ये पता है कि ये इलीगल है, तो तभी मैंने और थोड़ा ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की कि कोई 10 एमबीए कैसे कर सकता है, आप बल्कि वो स्टार मार्क रखो कुछ भी रखो, बट द मोमेंट आप 10 एमबीए बात करते हो और आपका एड 10 एमबीए रहता है, आर यू श्योर ये एमबीए वही एमबीए है जो कि जैसे एमबीए आईएम के लोग सर, जैसे पीयू के अंदर एमबीए मिलती है या पंजाबी यूनिवर्सिटी में एमबीए मिलती है या कोई और एमबीए होती है, वही चीज़ है? आर यू श्योर अबाउट इट? आपको यकीन था? ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते एट दिस पॉइंट। देखिए, एक बंदा ब्रांड करता है, उसका नाम रखता है राइट कूलेस्ट कूल एड, तो ये नहीं कि वो कूल एड ही देती है, कूल एड ही देती है, ऐसे बड़े सारे नाम होते हैं जो विच सजेस्ट ये क्या करती है, लेकिन वो एक्चुअली नाम होते हैं उनके, विच इज़ फाइन, दिस इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन द अमेरिका का लॉ या इंडिया का लॉ, इसको गलत नहीं बोलता। ठीक है, सो आप ये नहीं कह सकते कि जैसे कि इन्होंने एक रखा है फ्रेश ग्रीन्स, ब्रांड है फ्रेश ग्रीन्स, तो फ्रेश ग्रीन्स में वो ग्रीन्स बेचते हैं लेकिन जुड़ी नहीं फ्रेश हो, दैट्स देयर ब्रांड, आप उसको सुन सुन के ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो कि यहीं पे मुझे पूरी लगा, गलत लगा, गलत लगा, मैं अंदर चला गया, 10 में एमबीए कैसे दे सकता है? आपको श्योर शॉट है कि वही एमबीए है जो आप सोच रहे हैं? आपने क्या देखा? आपने इतना अंदर के बताइए सबको बीच में, आप बताइए कि आपने फिर देखा क्या? मेरे ख्याल से अब ये बताने से अभी नहीं कतराएंगे देखना। वो इलीगल बन ही जाता है सीधा। और जितना मैं अंदर, और जब मैं विवेक बिंद्रा के बारे में और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने बोला कि इनकी कंपनी बड़ा बड़ा बिजनेस है और जो बड़ा बिजनेस करती है उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो अनरेगुलेटेड मार्केट में काम करते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता नहीं है, तो पहली चीज मैंने की कि चलो आरओसी वेबसाइट पर जाकर इनके बैलेंस शीट डाउनलोड करें और समझिए क्या है, और जब मैं नंबर देखा मेरा सर भाई यानी कि तुमने बात चेंज कर दी, तुमने कहा कि 10 एमबीए से मुझे स्टार्ट हुआ, तो 10 एमबीए के बारे में क्या पता चला आपको? वो नहीं बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? और भाई जो तू लो आईक्यू बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है, तू भी तो पूछ ले सर, वो 10 एमबीए वाली बात वहीं रहेगी, जरा बताइए वो फिर आपको क्या पता चला एमबीए के बारे में? घूम गया, एक साल में 172 करोड़ का रेवेन्यू था। अरे यार, 172 करोड़ का रेवेन्यू करना तुमने तो पाप बना दिया साला। सच में मुझे ऐसे लोगों से बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है यार। तुम तो ऐसे कहते हो जो बंदा बड़ा बिजनेस कर रहा है, कुछ एक सर्टेन लेवल पे काम कर रहा है, तो वो क्रिमिनल है। तुम तो वहीं से प्रूव करती है कि क्रिमिनल है सच में यार। आई एम सो सॉरी महेश्वर पैरी, तेरा लो आईक्यू यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है।
दो साल में 308 करोड़ का रेवेन्यू था इनका और 225 करोड़ ना फ्रेंचाइजी फी है, विच मींस वी आर गेटिंग इनटू मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स। दैट मींस दे आर गेटिंग इनटू मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स। ये क्या रीजन है यार साला, कितने लोगों की सेल्स डबल होती है, व्हाट इज दिस लॉजिक? महेश्वर पैरी तुम्हारा आईक्यू लो है, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे, तुम कहां से निकाल के लाए हो कंक्लूजन? और वो भी उसमें एक और है नोट के अकाउंट्स में कि एवरी टू इयर्स रिटर्न ऑफ कुछ, मैंने थोड़ा लीगल डिटेल से मैं जाना नहीं चाहता हूं, बट जब मैंने देखा कि स्केल इतना बड़ा है और यही बोलते हैं कि 20,000 से 50,000 1 लाख रुपए देते हैं, तो 50,000 की एवरेज आप ले लोगे ना तो 175 करोड़ में कितने बचे आप अंदर गए आप समझ सकते हो। और तभी मैंने बोला कि इसके बारे में थोड़ा अंदर देखना है एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। ये देखो बच्चे की बाइट्स हैं, बच्चा भी पीछे में सेल्फ, मेरा एक हाथ गंदा है ना, ये देखो मैं इसे बच्चों को खाना खिला रहा हूँ, क्या करूँ यार साला, तुम लोग इतने बर्बाद देश बनाते जा रहे हो, इस तरह के लुआई के लोगों को सामने रखा हुआ है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए यार तुम क्या कर रहे हो। बच्चों को सक्सेस लेना कितना आसान है इंडिया में, सॉरी मैं सिंपल सा बता देता हूँ, चाय बेचने लग जाओ, पकौड़े बेचने लग जाओ, तुम हेल्थ दाल चावल बेचने लग जाओ, राजमा चावल बेचने लग जाओ यार, तुम इतने आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो गाँव के लोगों, 50,000 तो कुछ भी नहीं, एक दिन की सेल हो सकती तुम्हारी। और तुम जिस जो बंदा तुम्हें सिखाना चाहता है उसे सीख देनी, विवेक जी उनसे सीखो जाके कि कैसे सर मैं बेच सकता हूँ, कैसे मैं अपना ठेला लगाऊँ, कैसे मैं करूँ, कैसे मैं ये चीज़ सेल करूँ, इतना कुछ हो रहा है फ्रीलांस मार्केट में, डिजिटल डिजाइन बेचे जा रहे हैं, राइट, कितना कुछ बेचा जा रहा है, कितना कुछ बना बना के आप बेच सकते हो। और आप यार महेश्वर पैरी तुम लोगों को भड़का रहे हो यार ऐसे लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि उसने 172 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 172 करोड़ ले आया, दैट मीन्स देयर इज अ स्कैम। ये डॉक्टर विवेक कैसे बन गया, एंड देन आई सेड, मुझे पता चला कि श्रीलंका का एक बिजनेस रनिंग यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर दिया था, ये 10 MBA क्या है, आई नो इट्स इलीगल, तो मैंने बोला कि ये तो अवैध है ये, देन मैंने वो फाइनेंशियल नंबर्स डाल के बोला कि अगर डिबेट करेंगे तो इतने बच्चे शायद इनके पास ऑलरेडी फर्स्ट। डॉक्टर लिखने से स्कैम हो गया, अब ये कोई और किस्म की बात हुई ना, बीवी को तो इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है ना यार, या है क्या, इज इट अ स्कैम बिकॉज ही रोट डॉक्टर विवेक बिंद्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पीछे एक लेजिटिमेट रीजन है, ही हैज अ डॉक्टर डिग्री, चलो वो एक सेपरेट मुद्दा है, उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता चलाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अगर वो हुआ या नहीं भी हुआ तो क्या ये स्कैम प्रूव हो गया जो मुद्दा एट हैंड है? क्यों हमारे बच्चों को, क्यों हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हो तुम लोग? इतने समझदार बंदे बैठ, तुम्हारा बैठने का तरीका समझदारों वाला, तुम्हारे कपड़े समझदारों वाले, एजुकेटेड लैंग्वेज तुम्हारी, सब कुछ अच्छा, लेकिन तुम्हारा IQ कहाँ है? और तुम क्यों लोगों को जिंदगियां बर्बाद करने में तुले हुए हो, राइट? क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने पे तुले हुए मेरे बच्चों, भाइयों चुके हैं जिनका कुछ चांस नहीं है। और फंडामेंटली ना ये यूट्यूबर कम्युनिटी में जो कन्विक्शन के साथ बोलते हैं बच्चों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यही विवेक बंद्रा दो तीन वीडियो देखा जहां बोलते हैं कि 100% मनी बैक गारंटी, अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो हम आपको वापस पैसा कर देंगे वगैरह वगैरह, और क्लियरली बोलते हैं वो एड्स में भी कि 20 लाख तक आपको कमाई का मौका मिलेगा हर महीने, 1 लाख से 20 लाख। देखो तुमने जो भी बोला 20 लाख तक कमाई का मौका मिलेगा, ये मौका मिलेगा इज अ वेरी गुड थिंग, एटलीस्ट तुम इतने ऑनेस्ट हो कि बोल रहे हो कि मौका मिलेगा बोलते हैं वो, और ब्रदर मौका मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम जरूरी बना लोगे, अगर तुम पे भी डिपेंड करता है, अगर तुम घर से निकलोगे ही नहीं, काम नहीं करोगे, तुमने वो जिम वाली बात सुनी है ना, एक बंदा कहता जी मैं तो जिम की मेंबरशिप ली हुई 6 महीने हो गए, मेरी तो अभी तक नहीं, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है अभी 6 महीने में तो बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है, कहता नहीं मेरा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कहता बल्कि मैं कल जाके जिम वालों से आके मिलूंगा और उनको बताऊंगा, मैं कल को पहली बार फिर जिम जाऊंगा उनको बताऊंगा, यानी कि आज कभी जिम नहीं गया था, मेंबरशिप लेके बैठा हुआ था, कहने का मतलब ये यार तुम ऐसी सी मेंटेलिटी लोगों में डाल रहे हो, वो करते कुछ नहीं है, कोर्स लेके सोचते हैं सब कुछ हो गया हमारा, राइट? तो ऐसे 10 में से 5 लोग तो इनका माइंडसेट इतना ही होता है, 10 में से और 4 बंदे थोड़ा बहुत घर से निकलते फिर वापस आ जाते हैं, एक आधा बंदा ही होता है जो सक्सेसफुल होता है। एनीवे इन जनरल दीज आर द नंबर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, आप क्या कर रहे हो लोगों को भड़का रहे हो? उनके कंपनी में 500 एम्प्लॉय है जो 30-40 हज़ार कमाते हैं, अगर आप बाहर के बंदों को इतना कमा सकते कमाने की यू नो यू गिव देम चांसेस ऑफ अर्निंग सो मच, तो आप अपने एम्प्लॉयज को 30-40 हज़ार क्यों दे रहे हो? तो कुछ तो गलत है ना इसमें। नहीं गलत है ना यार कैसे गलत है? इंटेल की एड जाती है कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करोगे तो एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, एम्प्लॉय कैसे कर लेगा? तो फेसबुक वो यूट्यूब बोलता है कि तुम मेरे यूट्यूब के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, यूट्यूबर इतने सारे पैसे बना रहे हैं, तो क्या यूट्यूबर्स को देख देख के सारे उनके यूट्यूब के जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे उतने पैसे बनाने लग जाएंगे? सीधी सी बात देखो कहाँ से आया लॉजिक, ये कोई लॉजिक नहीं है। उनका अपना एक करियर गोल है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, यूट्यूबर का अपना करियर गोल है, वो अपने हिसाब से सोचता है, राइट? तो आप कैसे कह सकते हो कि एक बंदे की एम्प्लॉयज़ जो हैं 40,000 सैलरी ले रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं आप कमा सकते हो 10 लाख रुपये महीना? भैया वो जो कमाने वाले हैं कमा भी लेंगे, विवेक बिंद्रा भी तो कहीं से आया है, मासेस में से निकल के आया तो कमा लेगा, वो कमा रहा है, दूसरे क्यों नहीं कमा रहे? ऐसे थोड़ी होता है, हर का अपना अपना करियर गोल है, हर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से भी बात करनी पड़ेगी ना, मौका मिल जाएगा। पर
मौका मिल जाएगा कि आप अपने बंदों को नहीं कर पा रहे हो और बाहर के बंदों को प्रॉमिस कर पा रहे हो। तो तभी मैंने लिखा है कि देखो यार ये एक ही चीज नहीं है, इट इज नॉट अबाउट जो एंड संदीप जी ने बहुत अच्छा काम किया कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट बुलवाया है ना, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द अटैच्ड टू दैट होल थिंग। बट मेरा मकसद यह था कि इट इज नॉट जस्ट द स्टूडेंट, देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ इलीगैलिटी ये सब में है और वो मुझे लाना था, उसलिए मैंने बताया कि 10 डे इलीगल है, ये मल्टीलेवल मार्केटिंग है, पिरामिड स्कीम है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तीसरा ये डॉक्टर जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोला वो दैट इटसेल्फ इज क्वेश्चन मार्क एंड एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड एंड द फैक्ट कि इनका टर्नओवर 308 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, जहां 227 करोड़ इज फ्रेंचाइजी फी ओनली। ओके अच्छा, उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि अगर ये 100% पैसा वापस करते हैं तो कितने लोगों को मिल पाएगा, ऐसा भी आपने कुछ कैलकुलेशन करके? हाँ वो लिखा नहीं मैंने, बिकॉज मुझे एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट मेरे पास नहीं है राइट, बट इफ आई फॉर एग्जांपल एज्यूम कि एवरेज का फीना 19,000 से 1,00,000 तक जाता है, मैंने सुना है, बिकॉज मैंने मैंने रिसर्च की कूड़ा में वगैरह वगैरह कि बच्चे ने कितना दिया, किसने 30,000 दे दिया, किसने 35,000 दिया। सो ये क्या है ना, बच्चों को फंसाने के लिए तेरे पास 20,000 है तो 20,000 दे देगा, मैं तेरे को शुरू करवा दूँगा, अच्छा तेरे पास 1,00,000 नहीं, हमें 1,00,000 चाहिए आपसे। देर इज नो फिक्स प्राइस स्ट्रक्चर द होल थिंग, बिकॉज़ मीटिंग मेल्स नाउ सेइंग कि सर मेरा अकाउंट डेबिट करवा दिया, क्रेडिट कार्ड नया दिलवा दिया, उसको स्वाइप करवा दिया, मेरे पास मिल आ रहे हैं वो राइट। और दिस नो फिक्स प्राइस, दिस नो फिक्स प्राइस ऑफ द होल थिंग, ऐसे बोल रहा है, ऐसे पता नहीं बहुत बड़ा गलत हो गया। इतना कॉमन है जाके डिस्काउंट ले लेना, डिस्काउंट कोड्स यूज करना, अमेरिका के अंदर किसी का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, वही शेयर उसी स्टोर पे, उसी स्टोर की दूसरी ब्रांच में कम पैसे मिल सकते हैं, वहाँ उसको क्लियरेंस मतलब सिर्फ 20% में मिल रही हो। क्या हो गया यार, क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को, गुमराह कर रहे हो। अभी ये पे करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाएगा इनका, और क्रेडिट कार्ड का लिमिट था 25,000, 25,000 स्वाइप करवा दिया इन्होंने ठीक है। तो ये पूरा अगर 50,000 की बात करूंगा ना और 175 पर बात करेंगे हम, तो वी कैन जस्ट इमेजिन द नंबर्स ऑफ डीलिंग इज मैसिव। एक चीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आसान करके बता दीजिए कि ये जो इस तरीके के दावे करते हैं 10 दिन में एमबीए करा देंगे, 10 दिन में फला बना देंगे आपको, ये इलीगल कैसे है? देखिए एमबीए जब आप बात करोगे ना तो वो एनी डिग्री, देयर इज ओनली यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस जिसको डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस बोलते हैं। तो इंडिया में यूनिवर्सिटीज को डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस है, कॉलेज को भी नहीं है। उसीलिए आपको कॉलेज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एमबीए मिलता है, कॉलेज का नहीं मिलता है, क्योंकि डिग्री ग्रांटिंग मतलब से होता है आपको, जैसे आप सीबीएसई स्कूल। यार उसने 10 डे एमबीए डिग्री बोली है, यूजीसी से जो अक्रेडिटेड डिग्री उसकी बात की है या किसकी बात की है, जाके कन्फर्म तो कर ले यार, तू बार बार इस डिटेल में नहीं जा रहा और बार बार लड़कों को बच्चों को भड़का रहा है। स्कूल में पढ़ते हो तो सीबीएसई आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपका इतना मार्क्स है ठीक है, तो वो डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस ना कभी भी यूनिवर्सिटी को रहता है, यूनिवर्सिटी के नीचे जो कॉलेज एफिलिएटेड है उधर पढ़ते हो और यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है। कोई भी ना अगर मैं तो कह रहा आपको बोले सकता कि मैं 10 एमबीए कर पाऊंगा, वो गलत है। और इंडिया में ना एमबीए इज टिपिकली अबाउट 2 ईयर्स, वो आपको 1 ईयर भी एमबीए नहीं रहता, पीजीपीएम कोर्स रहता है, एमबीए मैंने 2 साल का है आपका, दैट इज व्हाट इज मैंने कोई बुद्धिजीवी ने बैठा है लॉट ऑफ पीपल एंड सेड कि अगर आपको ये सब पढ़ के सीखने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपको उपाधि मिलना चाहिए तो आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी जहां ये सब पढ़नी पड़ेगी आपको, जिसमें इंटर्नशिप बीच में है वगैरह वगैरह। सो नो वन कैन कमेंट से आई पुट दिस टुगेदर, कल कोई 10 मिनट में बात करेगा, ये थोड़ी जेप्टो है या जोमेटो है या स्विगी है या इंस्टामार्ट है कि आप कुछ भी कर पाओगे और वो मान जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये बंदा ये बिंद्रा अगर वो एमबीए यूज नहीं कर पाएगा ना, वो बेच नहीं पाएगा, उसके वो एमबीए यूज करना ही पड़ेगा उसे। अगर वो बोलेगा 10 डे सर्टिफिकेशन कोर्स टू हेल्प यू स्किल योरसेल्फ बिकम एंटरप्रेन्योर, वो बिकेगा नहीं, उसको वो एमबीए यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये बिंद्रा के पूरे एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, 4-5 वर्ड आपको ज्यादा दिखेंगे एमबीए, तो गलत बात है ये सब करना। लक लास्ट करेगा कभी भी, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल कंसल्टेंट, ये सब ना बड़े वर्ड रहते हैं फॉर स्मॉल टाउन पर्सन, स्मॉल टाउन पर्सन जो अपने गांव में। और स्मॉल टाउन पर्सन को अगर मैं अपील करने के लिए बड़े वर्ड्स यूज करता है, रॉन्ग होता है, ये रॉन्ग होता है, कहां से रॉन्ग होता है यार, कैसे रॉन्ग होता है, क्या बोल रहे हो यार तुम बिल्कुल एक लो आईक्यू बंदे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं निकाल रहे हो, बस ऐसी बोली जा रहे हो। और भाई ललन टॉप वाले, तू भी तो यार कुछ पूछना उससे, तू क्यों लगा हाँ म्यूट मिसलिसनर की तरह सुनी जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, कुछ तो बोल के भाई ये रॉन्ग है, भाई ये रॉन्ग कैसे है मुझे बताओ, कुछ तो क्रॉस क्वेश्चन कर ले, अपने 4 क्वेश्चन लिख के लाए, थोड़ा सा आईक्यू यूज कर ले, भगवान ने तुझे इंटेलिजेंस दिया, कोई तो क्रॉस क्वेश्चन करे यार, या तूने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, कुछ भी नहीं पूछना। जो बोल रहा है महेश्वर पैरी अच्छी इंग्लिश में, अच्छी हिंदी में, अच्छी आवाज में, बस वो सुनना और मान लेना। और जो नॉर्मली सुनाई नहीं देते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिट लॉस ये सब ना, दीज आर ऑल टर्म्स, आप ना 2 सेंटेंस में ना 3 ऐसे वर्ड डालोगे ना कन्वर्शन आ जाएगी आपकी, और कुछ भी मैंने कुछ भी डाले जाओ बीच में 3 ये वर्ड डाले, यू विल बिकम कंसल्टेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, वो अच्छा लग जाएगा बच्चों को। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं या जो लोग लाखों कमाने की सुपर चाहत रखते हैं वो कैसे आ जाते हैं झांसे में? नहीं शॉर्टकट्स, वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, सी नॉट एवरी स्टूडेंट, हर बच्चा ना उसको अरमान तो रहते हैं उनके कि मैं भी अच्छा बनूं, मैं भी गाड़ी में घूमूं, मैं भी यू नो आई गो थ्रू मैंने अर्न लॉट ऑफ मनी एंड पीपल रिस्पेक्ट मी राइट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू दैट, यू नो एज यू सी हायरार्की में वो रहता नहीं है। आपको एक अच्छे आई में जाओगे तो शायद 1,00,000 कमाओगे, नेक्स्ट आएगा तो मैंने नॉट इन 20-30 बट 10-15 लाख जाओगे, सो देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस थिंग्स। आपको कभी भी एनेक्डोटल शॉर्टकट्स मिल जाते हैं कि देखो ये बच्चे ने स्कूल में पढ़ाने पर करोड़ कमा रहे हैं, वो होता है, वो एनेक्डोटल रहता है, इट इज नॉट अ स्केल, डेटा डजंट बैक टू मैच स्केल। अगर बोलोगे लाखों बच्चे
कैसे मैंने करोड़ों बच्चे इंडिया में हवा दे ज्वाइनिंग दिस कंपनी इसको पढ़ के जा रहे हैं, स्कूल ड्रॉप करके नहीं जा रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म रहती है ना। पर इनको क्या है ना, मे बी उनको उनके गांव में या उनके शहरों में अच्छे कॉलेज नहीं थे, तो वो नियरेस्ट कॉलेज में पढ़ना उनको जरूरी था, उधर पढ़ लिया, पर उधर से प्लेसमेंट नहीं हुआ शायद। द ओनली वे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा तो स्किलिंग कोर्स करनी पड़ेगी या बाहर आके कुछ करना पड़ेगा वगैरह, है ना। तो इनको क्या है ना, शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए, बिकॉज जो अब तक वो अपने 20-22 कोर्स करना शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं होता, कोर्स करना शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है, ये सब शॉर्टकट नहीं है ब्रदर, दिस इज़ द ओनली वे। सब लोग कह रहे हैं रीस्किलिंग करना पड़ता है, बार बार लर्निंग एटीट्यूड रखो, हर दूसरे दिन कोर्सेज पढ़ो। मैं आज भी यूट्यूब पे बैठ के कितने सारे कोर्सेज लेता हूँ, फ्री वाले भी नॉन फ्री वाले भी, अपना टाइम लगाता हूँ। क्यों बच्चों को गलत बातें सिखा रहे हो, क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हो, क्यों कह रहे हो कि कोर्स ले लिया तो गलत कर दिया भाई। दिस इज़ योर ओनली होप, अपने छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, घर से बाहर निकलेंगे, रोजगार कमाएंगे, नए नए स्किल्स एक्वायर करेंगे। घर के पास वाले छोटे कॉलेज में बेसिक डिग्री ले ली तो एक बेसिक, उससे उनमें बेसिक आग आ गई कि कुछ करना है लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो कोर्सेज लेते हैं, बाहर आते हैं, काम सीखते हैं, उससे कमाते हैं। हाउ इज़ दैट रॉन्ग, हाउ इज़ दैट रॉन्ग, क्या रॉन्ग कर दिया? कुछ नहीं कर पाई ये इतनी मेहनत, और स्कैम से इसका क्या लेना देना है यार, इतनी फिलॉसफी, इतनी फिलॉसफी, स्कैम से कैसे क्या लेना देना है वो भी तो बताओ ना यार। कुछ करके मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, वो शॉर्टकट टू सक्सेस ना, यू विल हैव वेरी एनेक्डोटल केसेस बट एट लार्जर डेटा से कभी नहीं मिल पाएगा आपको। शॉर्टकट टू सक्सेस, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, मेरे पूरे उसका नाम ही सीक्रेट शॉर्टकट्स टू सक्सेस ही है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, भागने को तैयार हो, पीछे पड़ने को तैयार हो किसी काम के, ये मेहनत करना तो आप ही की चीज़ है, मैं नहीं कुछ कह सकता। बेसिक इंटेलिजेंस है आप में, यानी कि आप कोई मेंटली सिक नहीं हो, यानी कि मेश्वर पैरियो सब भी चलेंगे, ठीक है ना। बेसिक बेसिक भी है तो सिर्फ इतने सारे काम बता सको। अभी इसी में देख लो, सिर्फ यूट्यूब के पर इंटरव्यूज लेना स्टार्ट करो, और अपने इसके झंडू बाम की तरह ना, ये ललनटॉप, ललनटॉप वाला, ये जो ललनटॉप वाला झंडू बाम आया है, इस झंडू बाम की तरह आप सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आओ 10, जो चैट जीपीटी से ही मिल जाएंगे आपको 50 क्वेश्चंस, और लोगों से मिलके उनके इंटरव्यूज लेके वहां पे पब्लिश करना स्टार्ट करो। हिंदी में बात करो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में बात करो तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बेसिक मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, क्यों नहीं हो सकते? छोटी सी उम्र 20 साल की, यार इतनी दुनिया जिंदगी पड़ी है, जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। छोटे से शहर में रहते हो, खर्चा कम है, आराम से बैठो, वीडियोज़ बना बना के डालो। बेसिक आप लोगों के इंटरव्यूज लो, चाहे आप शुरू में, आप बेसिक लोगों के इंटरव्यूज लो, धीरे 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 आपका बढ़ता चला जाएगा। क्यों नहीं करोगे आप? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, उसी से आपका पैसा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया आज सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से, कितना तुम कह रहे हो सीक्रेट शॉर्टकट है, बिल्कुल। थोड़ा सा कोई यूट्यूबर का एक कोर्स देख लो, एक इवन ध्रुव राठी का भी शायद एक कोर्स है यूट्यूबर का, मैंने करा नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसा कोर्स है, लेकिन एक छोटा सा कोर्स, अगर उसकी ठीक ठाक सी फीस है 4-5 हज़ार रुपये, तो क्या फ़र्क पड़ता है 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके। देख लो वो कह रहा है यूट्यूबर कैसे बनना है, तो वो जो चीज़ें बोल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करो, उन एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करो, उसका स्टाइल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसको इनकॉर्पोरेट करो, आप सक्सेसफुल हो गए ही होंगे। आपको रोकने से रोक नहीं सकता कोई, क्यों नहीं होंगे? आप छोटे से तो बच्चे हो, आपको तो एक यू नो एक यंग ब्लड कितना कुछ कर सकते हो आप, उमंगे होती हैं आपके अंदर, तो वो उमंगों ही बड़ी कैची होती हैं, जो मिड एज में होते हैं लोग, वो तो यही देख के बड़े खुश होते हैं यार, कि यंग बच्चे देखो कितना ट्राई मार रहे हैं, उनको देख के कितनी खुशी मिलती है, वो इसीलिए आपके वीडियोस देख लेंगे कि यार हाँ यार देखो कितना बच्चा कितना ट्राई मार रहा है, काश मैं भी ऐसे होता बचपन में। यार अब ट्राई मारो, अब 20 की उम्र वेट कर रहे हो, 10वीं में करो, 10वीं के बाद जैसे एग्जाम्स खत्म होते तब करो, 11th 12th में करो, आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में करो, क्यों नहीं करते हो, ट्राई तो करो। कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे इस पूरे मॉडल में विवेक बिंद्रा, क्या लगता है आपको, ये जो ट्रेनिंग देते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं? पॉइंट वन पर क्या अपने आप को अच्छा कर रहे हैं? सी सिंपल सी बात है, लाखों बच्चों को ये बंदे ने चीट किया है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, लाखों बंदों को। कैसे चीट किया है अभी भी तो बता दे, कुछ तो बता दे मेरे व्यूअर्स को, तू बार बार बोले जा रहा है इसने चीट किया चीट किया चीट किया, किया क्या बता तो दे, थोड़ा डिटेल में तो जा यार। बच्चों को ये बंदे ने चीट किया है through promises that are not achievable, जो इन्होंने promise किया they're not achievable, पर उनके hard earned money जो मैंने 20,000-25,000 मेरे पास 300-400 मेल आ चुके हैं तक, मैंने जब वो मेल पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं यार, पूरा करके दे दिया। आंखों में आंसू होने से ये नहीं पता चलता कि उसने गलत किया है, मेरे भाई प्लीज़ मेरी बात समझो, कुछ गलत हुआ है तो बताओ, तुम्हारे आंसू आ गए, मैं शौक में आ गया, मुझे बहुत दुख हुआ, वो कह रहा है ये सब चीज़ें, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई प्लीज़।
तू क्यों छोटे छोटे भोले भाले बच्चों के दिमागों को उनके इमोशंस का खेल रहा है, तुम खेल रहे हो। विवेक बिंद्रा ने जो किया, जो गलत किया उसके बारे में बताओ, अगर गलत है तो उसने गलत किया, ठीक है वो तो अभी सोचेंगे। तुम जो कर रहे हो बिना बात से किसी अजीब से प्रिंसिपल्स उनके हाथ में दे रहे हो, 150 करोड़ से 300 करोड़ हो गया, दैट मीन्स कोई हुआ है, डॉक्टर लगा लिया, डॉक्टर लगा लिया, ये सब क्या सिखा रहे हो बच्चों को, क्या सिखा रहे हो। और 300-400 ईमेल्स आ गई हैं, दैट मीन्स वो गलत हो गया बंदा क्या यार, तुम कैसे प्रूव करे हर चीज। ये रो रहा है बच्चा, इतना पाप ना ऐसे बंदों पे भारी पड़ेगा और ये बहुत पापी है। इतना पाप इन लोगों पे, उनको समझाओ, मेरे मेरी उन 400 लोगों से मैं मीटिंग करता हूँ, मैंने समझाता हूँ कि तुम कुछ भी बन सकते हो, यू आर सो यंग एंड यू कैन जस्ट सो अचीव सो मच, एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर दैट तुम इन बेवकूफ लोगों की बातों में आ रहे हो, तुम इन बेवकूफ लोगों की बातों में आ रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इतना कुछ कर सकते हो, कोई कोई पाप नहीं किया किसी ने, कोई पाप नहीं किया, ये एक लो आई के लोगों का होता है, पाप कर दिया, पाप कर दिया, कैसे किया वो कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या किया गलत, चीटिंग कैसे की कुछ नहीं बता रहे, प्लीज नोट करो इस बात को। क्या हो सकता है मतलब जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है वो क्या कर सकते हैं? तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट कम इन ग्रुप्स एंड फाइल केस, अगर आप बैंक हाँ। मेरे हाथ में नहीं है बिकॉज़ आप बच्चों को पैसा डाल के तो करते हैं, तो आपकी तरफ से हेल्प मिलेगी उनको? हां, तो मैं आइडेंटिफाई लॉयर किस तरीके कुछ सामान ले ढूंढ रहे हैं। द थिंग इज द स्पीकर्स जो बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो ठीक है इसने इसमें भी बोला था कि वो अलार कर लें, ये कर ले वो कर ले, मैंने फॉरवर्ड ही कर दिया, स्टुपिड सी बात है यार, मतलब ठीक है वो सब सोल्यूशन है, मतलब अभी बता दो रानी स्कैम क्या है, कि गलत क्या है, किसी बता नहीं रहा, ठीक है तो इसलिए मैंने उसको वो कर दिया फॉरवर्ड, मेरे टाइम भी बचाना है आपका भी और मेरा भी। उनको ना अच्छी तरह बात करनी और कन्विक्शन से बात करना अच्छा है। तो जो बंदा अच्छे तरीके से बात करता है, जैसे मान लो मुझे भी आता है, तो ये गलत है? ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, इफ द गिफ्ट ऑफ गैप, इफ आई डू हैव गिफ्ट ऑफ गैप, आई डू आल्सो, एक्चुअली आई आल्सो हैव वेरी गुड गिफ्ट ऑफ गैप, तो आई एम अ रॉन्ग गाय, दैट मेक्स मी रॉन्ग, दैट मेक्स मी स्पूरियस, दैट मेक्स मी समथिंग, मतलब मेरे व्यूअर्स का आप ये कह रहे हो, आप इन व्यूअर्स को ये कह रहे हो कि जैसे ही आपको पता चले कि ये बंदे के पास गिफ्ट ऑफ गैब है, इसमें बोलने की कन्विंस करने की शक्ति है, इसमें उसमें इसमें वो काबिलियत है, तो इसका मतलब उस पर शक करने लग जाओ, शक करने लग जाओ, ये कह रहे हो आप बच्चों को, ये सिखा रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो? ठीक है तो दोनों बंदे ना व्हाट अंग्रेजी में बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, इन दोनों को गिफ्ट ऑफ द गैप है, विच मींस कि वो अच्छी तरह से मोटिवेट करके आपको कन्विंस कर पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, और आप सब मेरी बात सुनोगे तो आपको लाखों रुपए कमा पाएंगे, ये हजारों बच्चों को सामने बिठा के ये कन्विंस कर पाते हैं, पर आप ना तीन क्वेश्चन शार्प क्वेश्चन पूछेंगे इनके लड़खड़ाएंगे, वो ना अंग्रेजी बात कर पाएंगे पर डेटा नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों क्यों लड़खड़ाएंगे, क्यों लड़खड़ाएंगे, नहीं लड़खड़ाएंगे, आपने पूछे पूछिए, आप जाइए उनके सेमिनार में पूछिए, आपने पूछा नहीं पूछा ना, आपने पूछा नहीं पूछा ना, पूछे जाके नहीं लड़खड़ाएंगे, क्यों कह रहे हो ऐसी बातें बच्चों को, क्यों कह रहे हो? अगर आप यही विवेक बिंद्रा से जाके पूछोगे, ठीक है आपके पास 1 लाख बच्चे आए थे शायद, राइट, तो 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे क्या कमा रहे हैं कोई बता देंगे आप हमें? नहीं दे पाएंगे ये लोग, क्योंकि उनके पास वो नहीं रहता है। तभी क्या करते हैं वो लोग, एक दो बच्चों को लाएंगे बोलेंगे बेटा तुम बताओ कितना कमा रहे हो, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम देखते रहते हैं वो एनेक्डोट रहता है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं होता ब्रदर, सुनो मेरी बात, दुनिया की हर चीज़ में, अमेजोन के ऊपर भी जाओगे टेस्टिमनी देंगे कुछ लोग ही देंगे, हजारों लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, 4-5 ही लोग, 10 थोड़े से ही लोग रिव्यूज़ देंगे, राइट, हर जगह ऐसे है, टेस्टिमनी कहीं लोग देने आएंगे, बाकी लोग देने नहीं आएंगे, बाकी लोग के पास टाइम ही नहीं होगा, राइट, इसमें कोई बुराई नहीं होती। मैं अपने बच्चों को पोजीशन कर रहा हूँ सक्सेस के लिए, बेसिक माइंडसेट ठीक करो, ये सारा दिन स्कैम ढूंढने, मेरे साथ गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, चक्रों में आप क्या कर रहे हो, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी एनर्जी इधर स्कैम ढूंढने में लगा रहे हो, रादर देन इन यूटिलाइजिंग योर टाइम टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, मेक समथिंग आउट ऑफ योर टाइम। यू नेवर गो विद दैट, आपके पास कितने बच्चे हैं, ओवर द लास्ट 3 इयर्स आपने बोला कि इतने बच्चे आते हैं, तो कितने बच्चे ने आपको फी दिया और उनकी जिंदगी कैसे, जैसे एक स्कूल दे पाते हैं कि मेरे पास इतने बच्चे आए और इतने प्लेसमेंट हुए और इधर काम करें, बताते हैं वो लोग, आपके पास बता पाओगे, नहीं बता पाएंगे। तो तभी क्या करते हैं लोग ना, अपनी अंग्रेजी पे चले जाते हैं, अपनी भाषा पे चले जाते हैं, अपने मोटिवेशन पे चले जाते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं देखो ये बच्चा है कहीं नहीं था, गाँव से आया था, अभी 50 लाख कमा रहे हैं और वो भी शायद एम्प्लॉय रहेगा फॉर ऑल द यू नो, ये ज्यादातर होता है। आप डोंट बिलीव इन एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन, कभी भी पूछा तो आपको डेटा पे जाना चाहिए लार्जर स्केल, क्योंकि आप ना यू ऑलवेज पार्ट ऑफ द लार्जर स्केल, आप कभी भी सुन सकते हो कि विराट कोहली कहीं से आके रोज प्रैक्टिस करके क्रिकेटर बन गया, पर विराट कोहली एक ही रहेगा ना देश में, एक और विराट कोहली थोड़ी बन पाएंगे, तो इनके भी यही चलता है कि एक दो बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इन्होंने हमारी तरफ से इतना कमा लिया है, वो सच्चे झूठे वो भी हमें पता नहीं है। यानी कि मैं एज ए यंगस्टर बिल्कुल होप छोड़ के काम करूं कि मैं एक दिन विराट कोहली बन जाऊंगा, है ना, यही कह रहे हो ना, क्योंकि विराट कोहली देखी होना वो तो हो चुका है, यही कह रहे हो ना, क्या क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। और प्लस गाइस, इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे लखपतियों और करोड़पतियों की जगह है, आप बड़े आराम से बन सकते हो,
बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप भी करोगे बाकी 100 लोग भी कर लेंगे, पर सबको जो जो एफर्ट लगाएगा, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क भी आप करोगे ना, हार्डवर्क का एक शॉर्टकट है स्मार्ट वर्क, राइट, और भी बहुत कुछ है, यू कैन क्रिएट अ टीम टू गेट द वर्क डन एंड देन दैट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझो, आप तो सिर्फ हार्डवर्क करके भी चल जाओगे, आप तो अगर हार्डवर्क ही करने लगे ना, जैसे चाय की दुकान लगा लो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे? थोड़ी सी भी अच्छी जगह पे चाय की दुकान लगाएंगे तो सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे? अगर आप पकौड़ों की दुकान लगाएंगे आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे? अगर आप ठेला लगाएंगे टट्टू डोसा का या डोसा का या डोसा सांभर का, क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? दो बारी सांभर गलत बनाएंगे, तीसरी बार वैसे ही ठीक बन जाएगा, चौथी बार उसको बेचने जाएंगे बड़ा अच्छा बिकेगा। पराठों का ठेला लगाएंगे, क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? गाइज आप बड़े आराम से पैसा बना सकते हो और सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हो, और सबके लिखे हुए हैं, 5-10 लाख होते क्या पर मंथ, क्यों नहीं आ सकते? 5 लाख आप डिजर्व नहीं करते? सिर्फ कुछ लोग डिजर्व करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। पर बाकी सब क्या हुआ है, बोलोगे कि सर आपके पास 1 लाख बच्चे ने पढ़ाया, 1 लाख बच्चों का क्या डेटा है? कुछ नहीं है। तो विवेक बिंद्रा हो गए, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो यूट्यूब पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इनकी बातों में फंसने से एक कॉमन मैन जो बेचारा यूट्यूब गया है ज्ञान लेने, कुछ अच्छा मिल जाए उसे कॉन्टेंट, और वहाँ जाकर वो बेचारा फंस जाता है, तो इसमें बचे कैसे वो एक कॉमन मैन? नहीं कभी भी देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन संदीप मेंशन बिकॉज़ मैंने उनके बारे में रिसर्च नहीं किया है, बट विवेक बिंद्रा के बारे में रिसर्च कर लिया है, ठीक है। जो वो क्लेम करते हैं उसके बारे में आप 3 घंटे कहीं पढ़ने के लिए रात में रिसर्च कर लोगे ना, कभी भी आपको टाइम मिलेगा दिन में रात में गूगल पे रिसर्च कर लोगे ना, कभी भी हम बोलते हैं रेड फ्लैग, जब लाल झंडा दिखाई जाता है जाती है ना तो रुक जाना चाहिए आपको। तो यही विवेक बिंद्रा का आईबीसी करके आप सर्च कीजिएगा, आपको 10% बच्चे बोलेंगे देखो मैंने मेरा पैसा नुकसान हो गया। तो इन सेंस ना मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि बच्चों ने दे डिड नॉट डू द रिसर्च एंड गॉट इन द कोर्स ऑल ओवर अगेन। अगर वो रिसर्च करते हैं शायद इतना फंसते नहीं है, ये पढ़ने की आदत कम होगी, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ देखते हैं पर पढ़ते नहीं है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो पढ़ाई से होती है, आपको सुनने से नहीं आती है। और दूसरी बात ना, आप दोनों को सेपरेट करने चाहिए, कोई बंदा अपने मोटिवेशन स्पीकर बन के कोर्स बेच रहा है वैसे कोई बंदा मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहा है, दोनों में फर्क रहता है। अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर बनने के बाद अपना कोर्स बेचना शुरू कर देगा तो आपको क्वेश्चन मार्क करनी पड़ेगी उसको, बिकॉज यू आर सपोज टू बी सारे इतने सारे यूट्यूबर्स जो पता नहीं क्या क्या करते और कोर्स बेचने लग गए। आप आधे लोग तो यूट्यूब का ही कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब पे कैसे सक्सेसफुल बने, इवन धरू राठी भी यही कर रहा है, इज एन एक्सपर्ट ऑफ क्रिएटिंग, इसने एक बार ही किया है बस, इज एन एक्सपर्ट ऑफ नोइंग ऑल द परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑल द सिनेरियोज इन विच यूट्यूब चैनल ऑपरेट्स, तो वो क्या कर रहा है? लेकिन मेरा भी मानना है कि कर रहे हैं तो इसमें इट्स नॉट रॉन्ग, और आप हो सकता है उनमें से कोई कोर्स अच्छा भी, उसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पढ़ो, जो आपको पसंद है उस कोर्स को लो। ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को कि अगर वो मोटिवेशनल कर रहा है तो कोर्स क्यों बेच रहा है? सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपना कोर्स बेच, संदीप अपनी फोटो में बेच रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है कहने को फोटो में बेच रहा है, तो इज दैट रॉन्ग? कैसे 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 रॉन्ग है ये, कैसे रॉन्ग है यार ये, हाउ इज इट रॉन्ग? मोटिवेटिंग है ये कोर्स, कैसे बन गया इसका? दूसरी बात, लॉट ऑफ पीपल कम मोटिवेट टू इंस्पायर यू, वो शायद यू कैन कंज्यूम इट बिकॉज आपके जैसे 1 रुपया नजर आपको सुन रहे हैं, इट इज फॉर यू टेक इट नॉट टेक इट, राइट। बट जब भी आप कोई बेचना शुरू करेगा मोटिवेशन स्पीकर बनने के बाद, अपना कोर्स या और किसी का कोर्स, देन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी उनके ऊपर अपनी पत्नी से मारपीट का आरोप भी लगा है और महिलाओं के प्रति कुछ आपके कंटेंट में, ध्रुव राठी से भी दूर रहो, फिर तो इससे भी दूर रहो, उससे सब लोग कोई ना कोई कोर्स बेच रहे होते हैं। आजकल तो यूट्यूबर का काम ही है, यूडेमी पे इन सब पे कोर्स अपलोड कर देते हैं, वन यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन बटन, बोले क्या है क्या है क्या है यार ये सारे, थे कि उनके लेक्चर में आपने कहीं सुना नहीं, वो जब ये हुआ था बिकॉज अभी मैं इसमें इतना फंस गया कि मैं थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ कहीं, तो वो एक और वीडियो उन्होंने बनाया ऑफ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कहीं तो रहते हैं और बोलते हैं वो कि इंडिया में विमेन एजुकेशन सिर्फ 1.5 साल या 2 साल ऐसा कुछ है, मैंने जैसे उसने लाखों लोगों को चीट किया, सुबह आप लगे बड़े लो आई क्यू फुद्दू बंदा, इंटरव्यू लेने वाला भी फुद्दू है भाई, तू क्वेश्चन तो पूछ कोई। एक लड़का शायद 15-20 साल पढ़ता है, वो बोलते हैं कि लड़की लोगों को इंडिया में शायद 1.5 साल या 2 साल कुछ ऐसा नंबर उन्होंने फेंक दिया। ये प्रॉब्लम क्या ना विवेक, जैसे लोगों का वो कुछ भी नंबर आपके मुंह पे फेंक देते हैं और आप कंज्यूम करते हैं, बिकॉज बाकी सब जो अंग्रेजी आसपास रहती है या हिंदी भाषा आसपास रहती है वो सब पक्की रहती है, बीच में एक नंबर घुस जाता है वो नंबर गलत रहता है, ये माहौल के चक्कर में भूल जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम भी तो ये कर रहे हो, यू ऑल्सो हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, राइट राइट, आपके पास भी तो है इंडिया में, ठीक है, सारों सारों का गैप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक ये लड़की लोग को पढ़ाने दे शुड बी एजुकेटेड एंड ऑल। और बोलते हैं इंडिया में एवरेज एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड इज 1.2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स कुछ बोला उन्होंने, वो गलत है, सरासर गलत है। आपको ना ऑल इंडिया स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन रिपोर्ट आईसीए रिपोर्ट करता है, उसको जाके देखेगा अप टू ए पॉइंट ना लड़की और लड़का को दोनों को पढ़ाई एक ही तरह मिल रही है, मतलब थोड़ा 19-20 का फासला है पर है, ठीक है, ये 20 साल और 1.25 साल ये सब नहीं है, वो गलत है। तो द प्रॉब्लम इज कि जैसे उन्होंने वही कहीं तो मैं पढ़ रहा था, बोलते हैं कि 25 करोड़ स्टूडेंट्स विद्यार्थी इंडिया में नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, ये 25 करोड़ कहाँ से मिला है? इंडिया में पूरे मिलकर विद्यार्थी जो है आज के दिन में 32 से 33 करोड़ है, यू नो केजी किंडरगार्टन से लेकर पीजी तक, सिर्फ अंडरगार्टन पोस्ट ग्रेजुएट हायर एजुकेशन जो बोलते हैं वो 3 से 3.5 करोड़ के बीच में है, ये 25 करोड़ बच्चे कहाँ से आ गए दिमाग में? तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ भी नंबर फेंक देते हैं क्योंकि उनके लोग यार वो कोई नंबर फेंक दे, तुम कोई फैक्ट फेंक रहे हो, कुछ भी बोले बोले जा रहे हो, उससे स्कैम हो गया क्या?
स्कैम हुआ नहीं हुआ ना, क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि इससे कोई स्कैम नहीं हुआ, इससे कोई स्कैम नहीं हुआ। स्कैम हुआ क्या इससे, कोई गलत कर दिया उसने? ये अपने आप में एक अलग बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है जो हमारी मेन मुद्दा है। जो उनके बारे उनको जो सुनना जानते हैं ना, वो उनकी भाषा सुनते हैं और नंबर बीच में आ जाता है और वो नंबर आपके दिमाग में घुस जाता है, पर वो नंबर गलत है, वो कुछ भी फेंक देते हैं आपको मुंह पे और आपको उल्लू बना रहे हैं बेसिकली ये नंबर फेंक के। अच्छा विवेक बिंद्रा से थोड़ा सा शिफ्ट करके हम यहाँ पे आते हैं, आपके जहन में आया वो 10 दिन का MBA देखा और इसकी शुरुआत होती थी तुमने भारतीय अप्रूव रहते हैं उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, हम सर्टिफिकेशन करते हैं थोड़ा आजकल बिकॉज कंपनी आ गई अपग्रेड वैसे करते हैं, कोर्स रैंकिंग क्या है सब कुछ हमारे पास मिलता है और पूरा डेटा जो हमारे पास रहता है वो पूरा ऑथेंटिक सोर्सेज रहते हैं। मेरे पास 350 लोग काम करते हैं कंपनी में, उसमें 150 लोग सिर्फ डेटा पे काम करते हैं, डेटा जाते हैं मतलब हम हर साल 20,000 RTI करते हैं, 20,000 RTI जो बच्चे को देते हैं सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा तो इसमें जो है रेवेन्यू मॉडल क्या है? तो मेरा पूरा ऑडियंस मेरे पास है, तो एडवर्टाइजर रेवेन्यू मॉडल ऑलमोस्ट 400-500 यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह एडवर्टाइज करते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये विवेक बिंद्रा जैसे 10 दिन के MBA कोर्स की भी नहीं होता है बिकॉज़ रेगुलेटेड कोर्स नहीं है ना, तो मेरे पास जो एडवर्टाइजर आता है कि मतलब रेगुलेटेड और हैविंग परमिशन टू स्टार्ट अ डिग्री कोर्स और सम सच थिंग फ्रॉम ए रेगुलेटेड सोर्स, नहीं तो होता नहीं। अच्छा मतलब इस तरीके का कोई दावा करता है तो वो आते नहीं है हमें ना, सिर्फ मैं ना मेरा क्रॉस क्वेश्चन है जो श्रीलंका की वो PhD है क्रेडिटेड तो है, उनको अलाउ करोगे? उनको अलाउ करोगे अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट डालना? आई टेल यू यस यू वुड, आई नो यू वेरी वेल। एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हो, 350 लोगों की सैलरियाँ दे रहे हो, आई एम अहमदाबाद तो अपनी MBA डिग्री की एडवर्टाइजमेंट डालता नहीं होगा आपके यहाँ पे, इतना फेमस इंस्टीट्यूट इतनी फेमस डिग्री, किस तरह की यूनिवर्सिटी और किस तरह के वो डालते होंगे बिल्कुल क्लियर है। अगेन बिल्कुल नहीं मैं बोलूँगा गलत है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर आप क्यों दूसरों पे इस तरह के बिना बात के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? ठीक है ना, सब कुछ मेरे प्लेटफॉर्म पे सबसे सच है बिकॉज मुझे मेरे पास पुलिसिंग पावर नहीं है, आई कांट वेरीफाई एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म राइट, पर 99.99% जब भी हमें पता चलता है ये कोर्स ठीक नहीं है, ये जो बेच रहा है वो गलत है, जैसे मेरे पास ना परसों एक आया था कि 1 करोड़ प्लेसमेंट, हमने निकाल दिया, मतलब ये 1 करोड़ प्लेसमेंट इसका नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है थ्रू AICTE की द मैक्सिमम सैलरी दैट स्टूडेंट गॉट इज 2 लाख रुपीज़, तो 1 करोड़ आप ऐड पे डालोगे ना अगर मेरे ध्यान में आएगा तो मैं निकालूंगा उसे। सिमिलरली अनरिलेटेड कोर्स है, 10 MBA मेरे पास कोई MBA यूज करता है तो इफ इट्स नॉट MBA वो ऐड नहीं ले पाएगा मेरे पास, मतलब ये बोलता है कि 10 डे सर्टिफिकेट कोर्स ले सकता है शायद, पर 10 डे और MBA मेरे पास ऐड नहीं आएगा। अच्छा तो जब संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के बारे में कहा तो विवेक बिंद्रा की टीम ने पहले अप्रोच किया, फिर उन्होंने भी वीडियो बनाकर उनसे सवाल की, कोशिश की। ठीक है तो सर चलते चलते दो चीज़ें हमारे जो दर्शक हैं उनको खास तौर पर वही सवाल एक ही है कि स्टूडेंट को इन लोगों से कैसे सावधान रहना। तो सीधी बात है, जब भी आप करियर कोर्स और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन शुड भी जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है, लाइक हमारे पास मेरी वेबसाइट है और मेरे जैसे शायद और 2-3 वेबसाइट भी है जहाँ इन्फॉर्मेशन जो आती है वो UGC से आती है, AICTE से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आती है एंड सोन से होती है, अलग कोई बोलता है फार्मेसी का कोर्स दे रहा है तो रेगुलर आपका है फार्मेसी का काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल में देना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल इज न्यू बॉडी, इंजीनियरिंग AICTE इज न्यू बॉडी। कभी भी ना आपको कुछ भी कोर्स करना है तो फॉर एग्जाम्पल आज के दिन स्किल कोर्स ज्यादा रहे तो आप देखिए NSCC में ये कोर्स लिस्टेड है या नहीं है, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो एक बार 10 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम आपको ये इंपॉर्ट करते हैं कि सही तरह के क्वेश्चन पूछ पाएं, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना आपके दिमाग में सही क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर भी गलत आएगा। तो हर कोर्स के दिन में आज के दिन में ना आपको ना ये जरूरत है कि आप अनअप्रूव कोर्सेज करने पे लाचार बन जाए बिकॉज देयर आर एनफ एंड मोर, अगर आप कोडिंग भी सीखना चाहते हैं देयर आर एनफ कोर्सेज अंडर NSDC जहां वो अप्रूव्ड है और जब आप डिग्री करना चाहते हो तो क्रेडिट मिल जाता है आपको, समझ गया ना। तो लुक फॉर कोर्सेज दैट हैव ए स्टैंप ऑफ अप्रूवल फ्रॉम सम बॉडी और अदर, और अगर वो दिखेगा नहीं तो 10 क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। ध्रुव राठी का जो कोर्स है उसकी स्टैंप ऑफ अप्रूवल कहाँ से आई है, कितने सारे लोग YouTube के लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं उनके स्टैंप ऑफ अप्रूवल कहाँ से आई है? बच्चों कई बार इन कोर्सेज में बल्कि बहुत अच्छी काम बातें सिखाई जाती हैं, तो बात सिर्फ आपके खुद के जजमेंट पे आती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कोर्सेज बता दूँगा आप कौन से देखें, मुझे आप कमेंट में डाल दो कि आपको कोर्सेज जानने, मैं आपको बता दूँगा मुझे 2-3 बुक्स बड़ी अच्छी पता है, मुझे कोर्सेज पता है कुछ लोगों के जो मुझे लगता है बड़े काम के कोर्सेज हैं, नाल कर यू वॉट दोस्त। कुछ लोग कुछ हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मैंने किए हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं, मैं तुम्हें कोर्सेज रेफर कर दूंगा। ठीक है ना, आप खुद ही जाकर उनको गूगल मार के लेना, मेरे को कोई एफिलिएट का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, $2-4 से मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है ना, सो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूंगा आप गूगल कर लेना। तो अगर पर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं तो फिलहाल इन लोगों का रिएक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग काम की बात नहीं बता रहे, आपको काम की कोई चीज़ नहीं सिखा रहे, काम की चीज़ सीखें आप और तरक्की करें लाइफ में। मैं इसका वीडियो भी बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट पड़ा, आई डोंट केयर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू।